Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Kia Carens. This is a new vehicle, मतलब इनका registration number तक नहीं मिला और इस गाड़ी के अंदर हमने CNG लगाई है और workmanship वही है जो मैं सभी गाड़ियों में सभी Carens में देता आया हूँ, जो quality में दिया हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ मैं. This is Kia Carens VS6 Phase 2. मैं सभी भाई को बता दूँ, आप अगर सोच रहे हो Kia Carens लेने के, अगर नई गाड़ी भी आप लेके आते हो शोरूम से, उसमें भी आरसी पे चढ़ जाएगा, लेकिन उसमें एक डेढ़ महीना लगेगा, एक डेढ़ महीने में आरसी पे चढ़ जाएगा. जो फेस वन है किया Carens, उनकी आरसी पे एक हफ्ते में चालू हो रहा है और जो फेस टू है एक डेढ़ महीने बाद चालू हो रहा है. आइए मैं इसमें दिखाता हूँ क्वालिटी, आप देखिए जो मेरा काम है. इसके अंदर जो किट लगाया, दिस इज मीजो BS6 8 इंजेक्टर किट. जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वर्क, मतलब आपको लगेगा जैसे किया ने लगा के दिया है. एक एक करके मैं दिखाता हूँ. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. ये रिड्यूसर है, डबल स्टेज का रिड्यूसर है. देखो हर एक चीज़ अपने जगह पे सिचुएटेड है, यहाँ से फिलिंग करने में आसान रहेगा, इसलिए हमने यहाँ दे रखा है. ये आपका डबल स्टेज का रिड्यूसर है, पीछे से जो भी गैस आ रहा है हाई प्रेशर में आ रहा है, यहाँ रिड्यूस होकर जो इसको ECM से कमांड मिल रहा है उसी हिसाब से ये रिलीज़ हो रहा है. यहाँ से गैस आगे जाएगा, ये फिल्टर है, यहाँ से सारी इंप्योरिटीज़ फिल्टर होते हुए फिर ये आगे जाएगी. ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके ECM को सिग्नल देगा और उसी हिसाब से एयर और गैस की मिक्सिंग होगी. फिर आगे जाते हैं, यहाँ पे आपका जो है ये पाइप यहाँ से आ रहा है, ये आगे ये इंजेक्टर में. 8 इंजेक्टर गाड़ी है तो इसके अंदर जो इंजेक्टर भी हमने 8 लगाया, जस्ट सी द क्वालिटी. और ये ECM है इनका, 8 इंजेक्टर का ECM है. अब यहाँ से जो वायरिंग जा रहा है, ये सारी वायरिंग एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है. जस्ट सी द क्वालिटी, जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ द वायरिंग, मज़ा आ जाएगा भाई. यही चीज़ है जो आपको दिखाता है कि ये कंपनी फिटेड है. जस्ट सी द क्वालिटी. आपके डायनेमिक एडवांसर भी जो लगाया हूँ, ये किट में नहीं आता और ये लगने के बाद मैं चैलेंज लेता हूँ कि गाड़ी पेट्रोल जैसी और पेट्रोल से भी बढ़िया गाड़ी चलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एडवांसर. यहाँ से भी डायनेमिक एडवांसर से भी ये जो वायरिंग जा रहा है, इस सारे एक स्पायरल ट्यूब में जा रहा है. प्रॉपर स्लीव, ये वायरिंग कहीं नहीं जाएगा भाई, जब तक गाड़ी है कहीं नहीं जाएगा. और सेम वही क्वालिटी हमने वायरिंग का दे रखा है जो किया ने दे रखा है. सुपर इंस्टॉलेशन भाई, अल्टीमेट फिटिंग, अल्टीमेट. अब इसके अंदर एक साइड फिलिंग वाल्व भी लगाया, वो भी दिखाता हूँ, लेकिन एक बार फिटिंग दोबारा देखो. मेरा मन कर रहा है ऐसी फिटिंग, मतलब ज़बरदस्त कंपनी फिटेड. ये फिलिंग वाल्व है, ये रिड्यूसर है, यहाँ से सारे पाइप आ रहा है, ये नीचे सारा कुछ लगाया हूँ मैं. आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, आपका ये फिल्टर है, यहाँ से फिल्टर होके आ रहा है और ये गैस यहाँ से जा रहा है ये 8 इंजेक्टर में. और ये ECM है और इसकी सारी वायरिंग ECM और डायनेमिक एडवांसर का सारा एक स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है. प्रॉपर स्लीव, आपके डायनेमिक एडवांसर से भी सारी वायरिंग स्पाइरल ट्यूब में, प्रॉपर स्लीव. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ किया Carens डन बाय कार एनर्जी, सुपर. अब इसमें जो साइड फिलिंग वाल लगाया मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता है, आइए दिखाता हूँ. ये है जी मारुति में जो कंपनी फिटेड में आता है, मेड इन जर्मनी, जो वह कंपनी का है. जस्ट सी द क्वालिटी. अब इसके अंदर जो मैंने सिलेंडर लगाया, मैंने आप ये सिलेंडर देखो, इसमें जो सिलेंडर लगाया 12 केजी का सिलेंडर लगाया, देखो इसमें 12 केजी का ही सिलेंडर लग सकता है. आप इसका सीट का जो टिल्ट है, ये मैक्सिमम टिल्ट है जैसे पहले था, मतलब ये नहीं कि सिलेंडर लगने के बाद मैंने इसको आगे किया ताकि आपको कंफर्ट बैठने में वो मजा ना आए, सेम वही टिल्ट है. और 12 केजी का सिलेंडर लगाया, इसकी स्टेपनी खोलने का जो है नट, आप ये देखो इसकी स्टेपनी आराम से हम खोल सकते हैं, नीचे से स्टेपनी निकल आएगा. सब कुछ प्रॉपर करके दिया है, सब कुछ एक एक चीज़ पे ध्यान रख के काम किया हुआ है. और सामान इसके ऊपर आप रखो, आराम से सामान रखो, कोई दिक्कत नहीं है. और जो सिलेंडर लगाया, स्टैंड लगाया हमने, आपका रबर ग्रिप मोल्डेड पाइप स्टैंड, जो मेरा क्वालिटी है. इसमें लीकेज भी चेक कर दिया और आपका डक्ट भी क्लैंप कर दिया, सारा काम हो गया.
अब एक बार भैया से पूछते हैं, अभी मैं ट्रायल पे मैं इनके साथ तो नहीं था लेकिन एक हल्का सा रिव्यू, एक बार भैया से पूछते हैं, भाई फिटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही। और गाड़ी जो आपने चलाई कैसी चली? बहुत बढ़िया चली। बढ़िया, मज़ा आया? हाँ बहुत बढ़िया। देखो कई लोग होते हैं थोड़ा कैमरा शाही होते हैं, लेकिन भाई को मज़ा आया। चलो थैंक यू। दिस इज़ द क्वालिटी व्हाट कार एनर्जी इज़ गिविंग अगेन एंड अगेन टू ईच एंड एवरी कार। मज़ा आएगा भाई को, लॉन्ग रन में मज़ा आएगा। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इफ़ यू आर न्यू शेयर करें, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक दें। थैंक यू।